पढ़ रहे हैं क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी हिंदी मीडियम की प्रश्नावली 1.4 के जो एग्जांपल दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, वो पढ़ रहे हैं। इसका जो छठवां उदाहरण कह रहा है वो कह रहा है, किसी टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। नंबर एक, राधिका ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और 30 अंक प्राप्त किए जबकि उसके 10 उत्तर सही पाए गए। नंबर दो, जय ने भी सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और उसने -12 अंक प्राप्त किए जबकि उसके 4 उत्तर सही पाए गए हैं। उनमें से प्रत्येक ने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए? हम इसका पहला पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट आप लोग कर सकते हैं। पहला नंबर देखते हैं, कह रहा है आपसे कि राधिका ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और 30 अंक प्राप्त किए। ठीक, मतलब राधिका ने 30 अंक प्राप्त किए। एक सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए गए हैं? 5। एक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जा रहे हैं तो 10 सही उत्तर हैं। उत्तरों के लिए कितने अंक दिए जाएंगे? 5 × 10। 5 × 10 मतलब 50 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और हमें राधिका, मतलब राधिका ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 30। ठीक, तो 30 में से 50 को हटा दें। ठीक, 30 में से 50 घटा दें, 30 राधिका ने प्राप्त किए हैं, 50 उसने 10 उत्तरों का सही, 10 सवालों का सही उत्तर दिया है, इसलिए उसे मिले हैं 50 अंक। तो कितना आ जाएगा? -20, मतलब उसने 20 अंक जो है वो गलत उत्तरों के लिए उसने जो अंक प्राप्त किए, मतलब प्राप्तांक जो है वो कितना हो गया? -20। ठीक, अब एक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जा रहे हैं, एक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जा रहे हैं। ठीक, तो -20 में से हम -2 डिवाइड कर दें, मतलब ठीक -2 तो हमें कितना पता चल जाएगा? 10। मतलब उसने जो गलत उत्तर दिए हैं उसकी संख्या कितनी? 10। 10 उसने गलत उत्तर दिए हैं, ठीक, और 10 उसने सही, मतलब 10 उत्तर सही दिए गए हैं, है ना, मतलब 10 उत्तरों के लिए दिए गए अंक, ठीक, 50 हैं और गलत उत्तरों के लिए दिए गए, मतलब गलत उत्तर जो दिए गए हैं वो 10 दिए गए हैं। ठीक, इसका जो दूसरा पार्ट है वो आप लोग करके देखिएगा आसान। ठीक, सातवां सवाल देख लेते हैं सीधे। कह रहा है आपसे, कोई दुकानदार एक पेन बेचने पर 1 रुपये का लाभ अर्जित करता है और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिलों को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाती है। नंबर एक, किसी विशिष्ट महीने में उसने 5 रुपये की हानि उठाई। ठीक, इस अवधि में उसने 45 पेन बेचे, बताइए इस अवधि में उसने कितने पेंसिल बेची? ठीक है, देखो, तेरा कोई दुकानदार एक पेन बेचने पर 1 रुपये की लाभ जो है वो अर्जित करता है, 1 रुपये का लाभ अर्जित करता है। ठीक, और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिल बेच रहा पुराने स्टॉक की, तो उसे 40 रुपये की, 40 मतलब पैसे की, एक पेंसिल पे हानि हो रही है, मतलब उसके पैसे लग रहे हैं, उसको कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, अब इसके पहले पार्ट में कह रहा है किसी विशिष्ट महीने में उसने 5 रुपये की हानि उठाई, इस अवधि में उसने 45 पेन बेचे, मतलब 45 पेन उसने बेचे हैं, 45 पेन उसने बेच दिए। अब देखो, 45 पेन बेचे तो 45, ठीक, 45 × 1 क्यों? 45 हमारे पेन है और 1 क्या है? लाभ। तो 45 × 1 कितना हो जाएगा? 45, मतलब 45 पेन उसने बेचे थे तो उसे जो है इतना ही लाभ हुआ। ठीक है, अब कुल हानि कितनी है? -5, मतलब -5 रुपये है। ठीक है, -5 रुपये। अब अर्जित लाभ और उठाई गई हानि बराबर कुल हानि हुआ, मतलब जो उसने लाभ कमाया और हानि को जोड़े, अब आखिरी में क्या, मतलब हानि उसने उस महीने 5 रुपये की उठाई है। ठीक, तो हमें क्या पता है? लाभ हमें पता है कितना है,
ठीक। अब देखो कुल हानि हमें पता है ठीक, और अर्जित लाभ हमें पता है, तो हम इसलिए उठाई गई हानि हम निकाल सकते हैं। उठाई गई हानि कैसे आ जाएगी कि हमें पता है कि हानि कितनी हुई है, कुल रुपये लिख देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे माइनस 5 और यहाँ माइनस 45, बराबर क्या हो जाएगा रुपये कितने हो जाए माइनस 50। 50 रुपये मतलब 50 रुपये का मतलब है कि 50 रुपये की उसने हानि उठाई थी, इसका मतलब इस कितने पैसे हो गए, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसलिए माइनस 50 रुपये में कितने हो जाए माइनस 50 × 100 मतलब माइनस 5000 पैसे की इसने हानि उठाई थी। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा और एक पेंसिल बेचने में उठाई गई हानि क्या हो जाएगी 40 पैसे, जिसे हम माइनस 40 रुपये लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए बेची गई पेंसिलों की संख्या कितनी हो जाएगी माइनस 5000। ठीक, भाग लगा देंगे किससे, माइनस 40 से। ठीक है, पैसे में क्यों मतलब था, क्योंकि यहाँ माइनस 40 जो है वो पैसे हैं। ठीक है, 125 ने पेंसिलें उस महीने बेची थी। इसका जो दूसरा पार्ट है वो आप लोग करके देखिएगा, ना है तो आप पूछ सकते हैं। अब देख लेते हैं प्रश्नावली 1.4। इसमें देखिए जो पहला सवाल है, देखिए वो जो सवाल दिए हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे वहाँ पे इंटू था, यहाँ पे भाग हो गया मतलब डिवाइड हो गया। ठीक है, ये मैं समझा चुका हूँ आपको, ये आप कर लेंगे आसान है। ठीक है, अब ऐसे देखिए दूसरा सवाल क्या कहेगा, ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग बी प्लस सी बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता ए भाग बी प्लस एक भाग सी को सत्यापित कीजिए। ठीक, आप ये ऐसे करके देखिएगा, मतलब ए बी सी के मान रखने हैं, पहले और दूसरे पार्ट में जो जो मान दिए हैं वो आप रखिएगा, अगर दोनों बराबर आ गए मतलब ये गलत है। ठीक, और सत्यापित कह रहा मतलब कि ये दोनों ये आएगा ही नहीं। ठीक है, आपको यहाँ मान रखना है और दोनों बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक, ऐसे ही देखिए तीसरा क्या है, मतलब जैसे इनटू में नहीं था, रिक्त स्थान भरिए, मतलब एक कई संख्या है बराबर में उस तरफ मतलब दाईं तरफ कुछ है। ठीक, किससे भाग करें तो ये आपको भरना है। ठीक है, 14 सवाल पे देखते हैं सीधे, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए और बी लिखिए ताकि ए भाग बी बराबर माइनस 3 हो, एक ऐसा युग्म 6, -2 है क्योंकि 6 भाग -2 = -3 है, 6 भाग -2 = -3। ठीक, अब देखो हमें ए भाग बी लाना कितना -3। ठीक, तो अब जैसे उसने कहा कि 6 ठीक भाग करें -2 से तो -3 आ जाता है। ठीक, अब तुम यहाँ ऐसे भी युग में लिख सकते हो क्या कि 3 को हम भाग कर दें किससे, -1 से कर दें तो भी -3 आएगा। क्यों, तो युग्म क्या होगा 3, -1। ठीक, अब माइनस इधर ले जाओ तो -3, -1 हो गया, ये भी एक युग्म है ना, ये दो युग्म का ऐसे ही हो गए। वैसे 5 बनाने हैं, देखो जैसे लिख सकते हो, जैसे ये 6 है तो इसको तुम लिख सकते हो 12। ठीक, 12 भाग का चिन्ह और यहाँ क्या लिख देंगे हम -4, 4 + 12 होता तो -3 आ जाएगा। ऐसे ये 3 युग्म हो गए, ऐसे तुमको 2 और युग्म देखने हैं। ठीक है, अब 5वां सवाल देखते हैं, कह रहा है आपसे दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, आधी रात को तापमान क्या होगा। ठीक, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर उठा, 10 डिग्री ऊपर उठा, ठीक ऊपर उठा, 0 था 10 डिग्री ऊपर उठ गया। ठीक है, तो हमें पता है कि 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है। ठीक है, पहले कितना था 10। ठीक, अब तुम अब कह रहा है कि इस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, 8 डिग्री देखते हैं, 10 और 8 कितना हो गया 18, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस उस समय तापमान है। ठीक, अब एक घंटे में कितना डिग्री एक घंटे में कम हो रहा है, देखो हो रहा है आपका 2 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री कम हो रहा है। ठीक, तो 2 से किसका गुणा करा दें कि हमें
पता चल जाए कि 18 आ रहा है। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, डैश को मैंने बताया था कि अगर इनटू है तो इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब कोई संख्या है डैश बराबर 18 डिग्री सेल्सियस बटे में आ जाएगा आपका 2, 18 बटा 2 करेंगे तो आ जाएगा 9, मतलब 9 बजे जो है वो उस समय जो तापमान हो जाएगा वो शून्य से -8 डिग्री मतलब 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक, अब आधी रात को तापमान क्या होगा, आधी रात का मतलब होता है 12 बजे, मतलब 12 बजे सुबह के, मतलब 12 AM, ठीक है, 12 बजे आधी रात। ठीक, देखो जैसे हमें पता है कि 12 बजे निकालना है 12, ठीक, 12 बजे कितना है आपका, दोपहर के 12 बजे कितना है 10 डिग्री, ठीक है, अब कम होता जा रहा है, कितना होता जा रहा है, देखो हम कर दें गुणा 2 का 12 में गुणा कर दें, 2 × 12 करें तो कितना जाएगा 24, ठीक, 24 से हम 12 घटा दें, 24 से हम 10 को घटा दें, ठीक, 24 से 10 को घटा दें, क्यों, क्योंकि 12 बजे दोपहर में 10 डिग्री था, ठीक, अब इससे कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से, ठीक है, अब कितना हो जाएगा 24 - 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 14, लेकिन शून्य से नीचे है ना, शून्य से नीचे है तो माइनस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा, माइनस का चिन्ह, या फिर इसको ऐसे लिख लो ये माइनस, ठीक ठीक है। छठवां सवाल देखिए वही है, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल नंबर 6 में बताया वैसे ही है, आप करके देखिएगा। सातवां सवाल देखते हैं सीधे, कह रहा है आपसे, एक उत्थापक किसी खान कूपक से 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जा रहा है, यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये भी मैं आपको सवाल बता चुका हूँ, आप करके देखेंगे, ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं।